हेलो गाइस, वेलकम टू चिकन डॉग्स चैनल। आज मैं बात करूंगी हेयर एनर्जी के प्रोडक्ट की। मैं उनकी शॉप पर गई और मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ स्किन के लिए दिखाएं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोडक्ट्स दिखाए, जिसमें से जो मुझे पसंद आया वो उनकी उबटन थी। फेस और बॉडी के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या क्वालिटी है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी उबटन है, इसमें हमने सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और ये आपकी स्किन को बहुत क्लियर कर देगी इन जस्ट 1 or 2 एप्लीकेशन। तो आपने इसको अप्लाई करना है स्किन पर, 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई इस चीज़ से और मैंने ले लिया। फिर मैंने इसके आकर पढ़ा कि इसके बारे में क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो उसमें आया कि ये टैन स्किन जो होती है, जो सन की वजह से, सन बर्निंग की वजह से हमारी स्किन हो जाती है, उसको ये ख़त्म करती है। इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं स्किन पर जो मार्क्स होते हैं उनको लाइटन अप करती है। फिर फेशियल हेयर को जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो हम इसको जब उतारते हैं तो रब करके उतारते हैं, हम इसे रब करके उतारते हैं तो ये रूट्स हमारे जो फेशियल हेयर के होते हैं उन्हें वीक करती है, और विद टाइम इस वजह से ग्रेजुअली डिक्रीज आती है इन आर फेशियल हेयर। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। फिर ये हमारी स्किन को ब्राइटन करती है, कि इसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि ये हमारी स्किन को ग्लो करती है नेचुरली। फिर ये डेड स्किन सेल्स जो है उनको एक्सप्लॉइट करती है, यानी हमारे स्किन सेल्स जो है जब हम स्क्रब करते हैं फेस को इसको उतारने के लिए, तो हमारे डेड स्किन सेल्स उस चीज से उतर जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने इसको पढ़ा कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसके अंदर मुझे सेफ्रॉन, ऑरेंज पील, टर्मेरिक, रोज, स्वीट बेजल, संदलवुड, पिस्ताशियो, स्वीट आलमंड ऑयल और नीम, मुल्तानी मिट्टी, योगर्ट, लेमन जूस, मिल्क क्रीम, ग्राम फ्लोर, ओटमील, हनी, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह इसमें ऐड अप किए गए हैं और इसका मिक्सचर बनाया गया है। तो मुझे काफ़ी ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैंने इसे खरीद लिया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? आपने अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए डेली अप्लाई करना है मिक्सचर को अपने पूरे फेस के ऊपर। अगर आप बॉडी पर लगाना चाहते हैं तो लगाएं। आई एम जस्ट यूजिंग इट ऑन माय फेस। 30 मिनट के लिए आपने इसको रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे स्क्रब आउट करना है, जेंटली मसाज करना है एंड देन स्क्रब आउट करना है इसको। हाथ से पहले पानी इस्तेमाल नहीं करना। जब ये उतर जाएगा, मास्क की तरह इसे उतारना है, जब ये उतर जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि गर्म पानी से साफ कर लेना है, ठीक है। और अगर आप तब कुछ देर बाद सोप यूज करें, फॉरन सोप यूज ना करें, इससे इसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने ये हेयर एनर्जी का प्रोडक्ट लिया है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, इनकी उबटन अच्छी लग रही है, तो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ये रेडी टू मेड है। काफी उबटन होती है जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हम जैसे सुस्त इंसान उस पर नहीं वर्क कर सकते, तो ये बनी बनाई प्रोडक्ट है। अभी तक मुझे अच्छी लग रही है, देखें आगे रिजल्ट क्या आते हैं। अभी तक मुझे रिजल्ट भी अच्छे लग रहे हैं, एक हफ्ता हो गया मुझे यूज करते हुए, तो आई एम होपिंग कि ये अच्छा हो। Till then, bye-bye.